सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार निरंकुश हो चुकी है, लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहे हैं। इस बात को सभी दलों ने महसूस किया है और बैठक की, विपक्षी की बैठक से बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए आनंद फानन में वो बैठक बुलाए। तो क्या कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज जो जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र को दबाने का काम, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमज़ोर करने का जो काम पिछले 9-9.5 सालों में जो हुआ है, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस बात को सभी दलों ने महसूस किया और एक साथ बैठने का निर्णय लिया। पहले पटना में हुआ था और बेंगलुरु में बैठक हो रही है जिसमें 26 दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र के लिए भी और 2024 के चुनाव के लिए।